गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। हाई एम शरल। पहली बार इतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी आ रही है, आई कांट इवन टेल यू। सो टुडे आई एम गोना गो फॉर डिनर बिकॉज मेरे को वो सुशी कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई थी, तो आई थॉट आई शुड एक्सप्लोर मोर। एंड बिकॉज आई हैव हार्डली बीन टू वैंकूवर, आई टोल्ड माई फ्रेंड्स दैट वी शुड गो। एंड मुझे वो जो सुशी थी ना, वो सबको ट्राई करवाने का शौक चढ़ा हुआ है अभी। काश मैं अपनी मॉम को भी करवा सकती। सो वी गोना गो टू वैंकूवर टूडे एंड आई थिंक वील गो टू कैक्टस क्लब। तो कैक्टस क्लब यहाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे चंडीगढ़ में सोशल है, आई डोंट नो, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से देख रहे होंगे। तो चंडीगढ़ में देर इज़ अ वेरी पॉपुलर कैफे नोन एज सोशल, एंड सोशल हर जगह होता है, इवन इट्स इन दिल्ली। सो इन यहाँ पे कैनेडा पे, यहाँ पे देर इज दिस वेरी पॉपुलर कैफे नोन एज कैक्टस क्लब एंड ऑल्सो अर्ल्स। आई हैव बीन टू अर्ल्स, तो आई थॉट आई शुड ट्राई कैक्टस क्लब टूडे। मेरे आज जाने का रीज़न ये है कि मैंने एक वीडियो में पहले बताया था कि आई टोल्ड माय फ्रेंड्स दैट व्हेन आई रीच 150 सब्सक्राइबर्स आई थ्रो देम अ पार्टी और मैं उनको बाहर लेके जाऊंगी। एंड वी आर ऑलमोस्ट 2.some K एंड मैं अभी तक कहीं बाहर नहीं गई थी टू सेलिब्रेट माय ओन सक्सेस कि वी आर हियर एंड आई एम सो थैंकफुल दैट यू गाइस सपोर्टेड मी। सो हमने डिसाइड किया था कि हम पहले जाएंगे, बट वो बन ही नहीं पा रहा था। तो आज फाइनली इट्स द डे। और आज मैं सुबह कॉलेज भी था, मैं पिछले एक हफ्ते से काम कर रही हूँ, एक हफ्ते से मेरे पास एक दिन का भी ऑफ नहीं था। बस मैं बीच में संडे को आई वेंट टू दैट प्लेस विद माय रूममेट्स और आज फाइनली आफ्टर माय कॉलेज आई हैड सम टाइम। वैसे मेरे पास टाइम नहीं था आज भी, बट मैंने टाइम निकाला बिकॉज हियर अगर तुम ऐसे बाहर नहीं जा रहे हो टू हैंग आउट और समथिंग, तो यू विल रियली बी डिप्रेस्ड इन लाइफ। तो इट्स बेटर इफ यू आर अर्निंग एंड इफ यू आर डूइंग गुड इन लाइफ। आई एम नॉट सेइंग आई एम डूइंग गुड इन लाइफ बिकॉज मेरी पढ़ाई अच्छी भी चल रही है, कुछ खास नहीं चल रही है अभी, बट आई थॉट आई शुड रिवॉर्ड माई सेल्फ, आई शुड गो आउट एंड ईट समथिंग गुड। सो आई एम गोना गो देयर। आई एम सो हैप्पी कि इतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी आ रही है, काश ये रोज आए। फाइनली रीच, बट इतना ज़्यादा रश है, आप देख सकते हो पीछे रिजर्वेशन लाइन है और इतनी ज़्यादा सुंदर जगह है। यहाँ पे एकदम इस कैफे के साइड में बीच है, बीच व्यू है एंड इट्स सो प्रिटी। मैं अभी अंदर घुस के फिर सब कुछ दिखाती हूँ कि हम क्या ऑर्डर करने वाले हैं। आई हैड माई वर्क टूडे एंड मैं बताती हूँ कल क्या क्या हुआ। एक तो कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फोन में बैटरी नहीं थी, मेरा फोन हर वक्त मरा पड़ा होता है। तो हम कल गए, मुझे आई नो आई शुड हैव केप्ट दिस इन माई माइंड कि मुझे अपना फ़ोन चार्ज करना है, बट दैट्स जस्ट मी, मैं कभी भी अपना फ़ोन चार्ज नहीं करती हूँ। तो वी वेंट टू कैक्टस क्लब विच इज़ अ वेरी फेमस कैफे हेयर इन कैनेडा, तो हर जगह पर होता है, ऑलमोस्ट हर जगह पर। तो हम गए थे वैंकूवर वाले में एंड वी हैड बर्गर, वी हैड फ्राइज, और हमें नहीं पता था कि बर्गर के साथ भी फ्राई आ जाएंगे। तो वी जस्ट ओवर स्पेंट ऑन द फ्राइज, दैट्स जस्ट टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो हम कैक्टस क्लब वो वाले इसलिए गए थे क्योंकि उसके एग्जैक्ट बाहर बीच व्यू था, बट क्योंकि रात थी और मैंने अपने ग्लासेस नहीं पहने हुए थे तो मैं कुछ नहीं देख पाई। उसके बाद वी वर नॉट दैट सेटिस्फाइड विद द प्लेस, सो वी वेंट टू अर्ल्स जहाँ मैं थोड़े दिन पहले गई थी एंड वी हैड द सेम सुशी, आई लव्ड इट। तो मैंने सोचा लेट्स जस्ट मेक अदर्स ट्राई टू। एंड देन उसके बाद बस हम रात को वापस आए तो सो रही थी पूरे रास्ते में, फिर मैं सुबह उठी, आई हैड माई वर्क एंड नाउ आई एम हियर। तो मैंने अपनी रिसेंट इंस्टाग्राम स्टोरी पे बोला था कि आई नीड टू क्या करना था मुझे, कि मुझे अपने घर को सजाना है, तो मतलब अपने रूम को सजाना है, तो उसके लिए मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। बट ऑलमोस्ट 99% लोगों ने वो स्टोरी को गलत समझा, और क्योंकि मैंने वो पिंटरेस्ट से स्टोरी डाली थी, मतलब पिंटरेस्ट की पिक्चर थी, तो सबको लगा कि मैं पूछ रही हूँ कौन सा चूज करूँ, बट उसका मतलब ये था कि आप अपने अलग आइडियाज दो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो अब इस वीडियो में प्लीज़ मुझे आइडियाज़ देना कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने रूम के लिए, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू डू अ मेकओवर। और अगर आप लोग अभी मेरा रूम देख लोगे तो दैट विल बी अ रियली बैड थिंग, क्योंकि मैं कभी भी अपना रूम साफ नहीं रखती बिकॉज आई डोंट हैव टाइम फॉर इट। एंड अभी आई एम हियर एट देर इज़ अ स्टोर बिल्कुल साइड में, दैट्स अ थ्रिफ्ट स्टोर। ऑफ कोर्स आई एम अ स्टूडेंट और मैं इतना कोई खर्चा नहीं कर सकती हूँ, तो आई केम टू अ थ्रिफ्ट स्टोर। यहाँ पर बहुत सारी लोकेशन पे थ्रिफ्ट स्टोर होता है, तो लेट्स गो इनसाइड एंड सी अगर हमें कोई होम डेकोर का पीस मिलता है या नहीं। सो दिस इज द स्टोर, अंदर चलते हैं और देखते हैं अगर कुछ मिल पाता है यहाँ से या नहीं।
दिस इज सच अ विंटेज प्लेस. यहाँ पे सब कुछ ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने जमानों पुराना हो, बट इट्स रियली रियली प्रिटी. सो आई नीड सम फोटो फ्रेम्स एंड दिस वन इज जस्ट फॉर $4. ऑल्सो इट्स अ लॉट. इतना शीन से भी मिल जाता है, बट आई विल सी इफ आई वांट टू गेट वन. आई जस्ट सॉ दिस वन एंड दिस इज सो क्यूट, आई वांट टू गेट दिस, बट ये बहुत ज़्यादा बड़ी है. एंड ऑल्सो इट्स जस्ट फॉर $5. आई एम अ प्योर इंडियन, मैं एक जगह से चीज़ नहीं लेती हूँ. मैं 100 बार सोचती हूँ कि इस जगह से चीज़ लूँ या ना लूँ. विंडो शॉपिंग करती हूँ, उसके बाद जब मैं फाइनली डिसाइड कर लेती हूँ उसके बाद ही मैं ले सकती हूँ. तो अभी उस शॉप से बस दो एक मिनट दूर दूसरी शॉप है, वन लव थ्रिफ्ट स्टोर. तो आई एम गोना गो हियर एंड सी अगर मुझे कुछ मिलता है. अदरवाइज आई लव दैट पेंटिंग जो वो डॉग की थी, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कहाँ पर लगानी है, इसलिए आई हैव टू सी. और मुझे उसके सिवाय और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए, तो देखते हैं कहाँ से मिलती है. अभी अंदर चलते हैं और मैं ये वाला स्टोर आपको दिखाती हूँ. वी केम हियर एंड इट्स जस्ट दिस. केम टू द गुरुद्वारा. मैंने कल कर्ल्स किए थे और अभी तक थोड़े बहुत हैं, बट मेरे बाल सच में ख़राब होने वाले हैं. बस थोड़े दिन और है, उसके बाद ये भी नहीं बचने वाले हैं. तो येस, वी केम टू द गुरुद्वारा एंड आई हैड लंगर एंड वी प्रेड टुडे, क्योंकि मैं बहुत टाइम से गुरुद्वारा नहीं आई थी. तो आई केम टुडे टाइम निकाल के. माय स्केड्यूल नाउ डेज इज सो मेस्ड अप. मेरी रोज़ शिफ्ट होती है और सिर्फ 4 घंटे की, तो मेरा सारा दिन शिफ्ट में ही चले जाता है. तो अभी आई एम गोना गो बैक होम. आई थिंक इफ आई हैव टू गो टू द जिम टुडे, आई डोंट थिंक आई बी एबल टू गो, क्योंकि कल मैंने एक आउटडोर वीडियो शूट करी थी पहली बार. मुझे उसकी अच्छी तरह से एडिटिंग करनी है और उसके सिवाय मुझे पढ़ना है, मेरा मिड टर्म है. तो अभी मैं घर जाती हूँ और देखती हूँ कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है. हम थ्रिफ्ट स्टोर गए थे, बट अभी आई एम वेरी स्केप्टिकल कि कहाँ से लूँ, क्योंकि आई कैन बाय फ्रॉम शीन एज वेल, बट मे बी आई गो टू द थ्रिफ्ट स्टोर अगेन. उनके पास जब और पीसेज आ जाएंगे, उन्होंने कहा कि वो और सामान मंगवाएंगे, तो आई विल गो देयर मे बी टुमारो. तो वील सी कि क्या लेना है. अभी आई एम गोना गो होम एंड लेट्स सी कि घर जाके क्या करना है. आई केम बैक एंड आई जस्ट स्लेप्ट. इतनी बुरी तरह से नींद आई हुई थी मुझे एंड आई थॉट आई जस्ट ओनली स्लीप फॉर 30 मिनट्स, बट आई स्लेप्ट फॉर मोर टाइम बिकॉज मैं इतना थकी हुई थी ना सुबह से. सुबह पहले जॉब पे गई, फिर मैं बाहर गई, वी वेंट टू गुरुद्वारा, देन वी वेंट फॉर शॉपिंग. आई डिडंट गेट एनीथिंग बिकॉज दैट्स द थिंग इन मी. आई गो फॉर शॉपिंग 10 times एंड देन आई चूज द बेस्ट थिंग. तो वो मेरे लिए बेस्ट चीज़ होती है. तो अभी आई गो टुमारो प्रॉब्ली, या मैं आज घर पे बैठ के देखूंगी व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू. और मैंने वैसे इसलिए भी सामान लिया क्योंकि इस वीडियो में यू गाइज आर गोना कमेंट डाउन एंड जस्ट टेल मी कि मैं क्या क्या ले सकती हूँ, क्या क्या कर सकती हूँ. एंड वॉट एल्स वॉज आई अबाउट टू टॉक टू यू. अभी मैंने सोचा था आई गो टू द जिम, क्योंकि अभी 8 ही बजे हैं और 8 बजे अभी तक मेरे सामने बिल्कुल धूप है. मैं यहाँ पे सोई हुई थी, ये मेरा फेवरेट स्पॉट है. अभी मेरे रूममेट्स आएंगे एंड दे विल बी लाइक तू यहीं पर रहती. कल तो लिटरली दे वर सो मीन टू मी, दे केम हियर एंड दे वर लाइक एक दिन तेरी लाश भी यहीं से उठेगी. मैं रोज़ यहीं पर सो रही होती हूँ. तो वैसे मेरा रूम अंदर है, ऐसे आपको होम टूर दिख जाएगा. तो हम ना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे बता देना कि मुझे अपना होम टूर देना है और जल्दी देना है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया. इट्स बीन 15 days दैट आई हैव शिफ्टेड, बट मैंने कुछ दिखाया नहीं है. एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा रूम पसंद आए. बस अभी पसंद नहीं आया क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गंद पाया हुआ है. अभी आई थिंक आई विल गो डाउनस्टेयर फॉर अ वॉक. अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया. यस्टरडे दीदी मेड भिंडी एंड दाल एंड मेरे को दोनों ही नहीं पसंद, तो मैंने खाई नहीं. तभी मैं गुरुद्वारे गई थी बाहर खाने. आई वॉज लाइक बाहर से खाएंगे आज, बट वहाँ पे भी मैंने दाल ही खाई एंड आई हैड काले चने जो मुझे घर में बिल्कुल पसंद नहीं थे, बट इट वॉज नाइस. आई लव भिंडी एंड दाल बिकॉज दीदी इज़ गोना वॉच इट एंड शी विल बी लाइक तुमने क्यों नहीं खाया, तो मुझे खाना पड़ेगा वो. क्योंकि मैं 2-3 दिन से व्लॉग नहीं बना रही थी. मैंने ना एक्चुअली शूट की है एक वीडियो और उसके कारण मैं 2-3 दिन व्लॉग डाल ही नहीं पाई. तो हम गोना पोस्ट डेली व्लॉग्स और उसके साथ में कोई भी चैलेंज वीडियो जो मैं करने वाली हूँ. तो मुझे एक लाइफ अपडेट देना था. लाइफ अपडेट भी नहीं, मुझे बतानी थी एक चीज़ जो अगर मैं उस दिन व्लॉग करती तो मैं बताती. तो यहाँ पे ना लोग बोलते हैं कि कैनेडा इज सो सेफ, बहुत ज़्यादा सेफ है यहाँ पे, बट इट्स नॉट. आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन रिसेंटली. आई वॉज वर्किंग और इतनी अजीब चीज़ हुई है ना मेरे साथ, आई कॉन्ट इवन टेल दैट बिकॉज ऑफ कोर्स वो कुछ अच्छी चीज़ नहीं हुई है. तो आई जस्ट वॉन्टेड यू गाइज टू नो दैट ऐसे कोई भी जगह सेफ नहीं होती. इट्स जस्ट दैट कि आप लोगों को खुद को सेफ रखना है. सो आई हैव दिस बजर विद मी जो मेरे रूम में पड़ा है एंड आई कीप इट विद मी ऑल द टाइम. तो व्हेनेवर यू आर कमिंग टू कैनेडा और इफ यू स्टे हियर
एंड यू वॉचिंग दिस, तो इट्स बेटर दैट यू बाय समथिंग जो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए हो, क्योंकि ऐसा ये भी उसी दुनिया में आता है जिस दुनिया में हम इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पे भी वैसे लोग होते हैं जैसे वहाँ लोग होते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ पे पता नहीं क्या अलग ही लोग होंगे, ये है कि यहाँ पे रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया, आई मीन अगर आपको किसी ने टच वगैरह कर दिया, तो ऑफकोर्स यू कैन कॉल द कॉप्स, बट वैसे देखा जाए तो इट्स जस्ट लाइक इंडिया, जहाँ तक मुझे लगता है। आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन, और वैसे मुझे ज़्यादा ट्रॉमा नहीं हुआ इस बार, क्योंकि मुझे था यार भाई हर रोज़ होता है ये, कोई बात नहीं, ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। आई डिडंट इवन टेल माई पेरेंट्स अबाउट इट, एंड नाउ दे गोना आस्क मी, सो लेट इट बी, जो भी हुआ। बट मेरे को बस ये बताना था कि इट इज़ नॉट दैट सेफ जितना बोला जाता है, सो अपना प्लीज़ ध्यान रखना। एंड आई थिंक अभी नीचे जाके मिलता है, मैं गो फॉर अ वॉक, एंड मैं नीचे जाके सारा व्यू दिखाती हूँ यहाँ से। वैसे अभी कोई व्यू देखने वाला नहीं है, बिल्कुल सन आ रहा है मेरी आंखों पे, एंड लेट मी शो यू यहीं से। दिस इज सो सुंदर, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है, दिस इज सो सुंदर। अभी हमने ये शीशे ही नहीं साफ किए हुए हैं, एंड इतने अच्छे पहाड़ दिखते हैं यहाँ से। अभी थोड़ी देर बाद सनसेट हो जाएगा और पिंक हो जाएगा आसमां, तो अभी नीचे चलते हैं, हमने यहाँ पे जाना है अभी, और मैं नीचे जाके फिर मिलती हूँ। ये मैं रास्ता भटक गई थी, मैं थर्ड फ्लोर पर रुक गई हूँ क्योंकि वहाँ पे जिम है, मुझे लगा ये पार्क भी वहीं पे है, बट ये फिफ्थ पे था। तो मैं रास्ते में थी और मैं ना सुबह से सोच रही थी आई वॉन्टेड टू वर्क विद अ गर्ल हु वर्क्स एट द सेम प्लेस जहाँ मैं करती हूँ, और मैं सुबह से उसके बारे में सोच रही थी, काश मैं उसके साथ काम कर पाऊँ। और मैं लिफ्ट में आ रही थी, आई मेट हर फॉर द सेकेंड टाइम, एंड आई वाज लाइक ओ हाय। फिर हमने बात करी, और बात करते करते मैं भटक गई अपना रास्ता, एंड आई गॉट माई आइस टी। यहाँ पे लोगों को लत होती है कॉफ़ी की, बट मुझे लगता है पीच आइस टी की, तो आई एम गोना ड्रिंक माई आइस टी नाउ, एंड लेट मी जस्ट शो यू गाइज द व्यू। वैसे अभी कुछ अच्छे व्यूज़ हैं नहीं मेरे आगे, जस्ट द स्काई जो मैं ऊपर बता रही थी, क्योंकि मैं अभी नीचे आ गया, एंड आई जस्ट वांट टू चिल। व्हाई आई वांट टू चिल इज़ क्योंकि मैं 5-6 दिन से लगातार काम कर रही हूँ, और मैं अगर काम नहीं कर रही होती तब भी मैं बाहर ही होती हूँ, कुछ ना कुछ कर ही रही होती हूँ लाइफ में। तो यहाँ पे इफ़ यू आर वर्किंग, मैंने शायद पहले भी बताया है कि इफ़ यू आर वर्किंग एंड यू आर डूइंग योर स्कूल, जस्ट गेट वन डे वे यू जस्ट रिलैक्सिंग, बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट देर विल बी एन इशू, यू विल गेट डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, आई एम श्योर अबाउट इट, 99% श्योर। अदरवाइज देर आर पीपल जो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं, बट आई एम नॉट वन ऑफ देम। मैं बिल्कुल ऐसे पागलों की तरह काम नहीं कर सकती हूँ, सो आई नीड अ ब्रेक, एंड आई केम डाउन टू हैव अ ब्रेक, एंड इसके बाद अगेन आई हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू डू। मुझे अपना रूम सेट करना है, उसके बाद मुझे दीदी के साथ बैठ के उनके नेल्स ठीक करना है, उसके बाद मुझे डिसाइड करना है कि मैंने अपना एक एग्ज़ाम है वो कब देना है। इतने मैं अभी तो मेरे को याद भी नहीं आएंगे क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, वीडियो बनाते बनाते मैं सब कुछ भूली हुई होती हूँ, बट जैसे मैं ये कैमरा नीचे रखूँगी मुझे याद आएगा कि ओ ये करना है। तो अभी आई एम जस्ट गोना वॉक हियर एंड शो यू गाइस कि यहाँ से कैसा लगता है। हमारे एकदम आगे कोई बिल्डिंग नहीं है, इसलिए यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आई डोंट इवन नो कि मेरा घर कहाँ है, कैन यू गाइस सी, मैं अब काउंट नहीं कर सकती क्योंकि इतनी बड़ी ऊंची बिल्डिंग है ये, एंड आई वॉज सो स्केयर्ड टू लिव इन एन अपार्टमेंट फर्स्ट, मुझे ऐसा लगता था मैं जंप कर जाऊँगी। मेरे को पता नहीं है ऐसी आदत कि मैं ना जो चीज़ मेरे सामने होती है मुझे ऐसा लगता है मुझे करना है। अब आई एम नॉर्मल, पहले मैं जब उठती थी दे यूज़ टू बी सच अ ब्यूटीफुल व्यू इन फ्रंट ऑफ मी, बट नाउ इट्स वेरी नॉर्मल फॉर मी। पहले मुझे लगता था वाओ, बट अब मुझे लगता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसे हम चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एक और चीज़ बताती हूँ, आई यूज़ टू बी मैड कि आई वांट टू गो हिट द जिम एवरी डे, एंड नाउ आई हैव जिम, इट्स जस्ट ऑन द थर्ड फ्लोर, बट आई डोंट गो। दैट्स हाउ आई एम टेकिंग द जिम फॉर ग्रांटेड, बट फ्रॉम टुमारो आई प्रॉमिस मैं रोज़ ब्लॉग बनाऊंगी, और रोज़ इफ़ आई वॉन्ट गो टू द जिम जस्ट मेक मी रिमेंबर कि तुझे जिम जाना है शरल, यू हैव टू गो टू द जिम। तो आई थिंक आई एम गोना एंड दिस ब्लॉग नाउ बिकॉज इट्स जस्ट टू मच ऑफ मी टॉकिंग टू यू गाइज, एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और बहुत लोग ये वीडियो देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।